सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन का सेम मीनिंग बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग और एंटोनिम्स का मतलब होता है उसका उल्टा, अपोजिट। बताइए अबेंडन का उल्टा क्या होगा। सबसे पहले देखिए अबेंडन का मतलब क्या होता है। तो देखिए अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना। तो बताइए क्या होगा इसका सेम मीनिंग। तो देखिए इसका सेम मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, फोरसेक। अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ अबाइडिंग। अब देखिए अबाइडिंग का मतलब होता है स्थायी या फिर टिकाऊ, जो चीज़ परमानेंट हो। तो देखिए अबाइडिंग का जो सिनोनिम होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो, स्थायी हो। नेक्स्ट है, चूज द सिनोनिम ऑफ एबल। अब देखिए एबल का मतलब होता है योग्य, सामर्थ्य, योग्य या फिर सामर्थ्य। ठीक है, बताइए इसका सेम मीनिंग क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ एबिलिटी। अब देखिए एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, मतलब होता है ना, कोई कोई बोलता है तुम्हें इस काम करने की एबिलिटी है, मतलब क्षमता है तुम में, ऐसे पूछते हैं ना। तो एबिलिटी का सेम मीनिंग होगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए, स्किल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ एबोलिश। एबोलिश, देखिए एबोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ देना, समाप्त कर देना। जैसे कोई मान के चलिए कि एक कोई घर है, ठीक है, तो उसको मान के चलिए एबोलिश कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो उसी तरह से ही जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें अगर कॉन्टेस्टेंट्स भाग लेते हैं तो उसमें एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, मतलब उसको हटा दिया जाता है। तो एबोलिश का सेम मीनिंग होगा आपका एलिमिनेट। ठीक है, अब हमने पांच साइनोनिम देख लिए हैं, अब पांच हम एंटोनिम्स देख लेंगे। ओके, पहला उन एंटोनिम्स का क्वेश्चन है आपका, चूज द एंटोनिम ऑफ एवरेज। एवरेज का उल्टा बताना है आपको। एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षेप करना, काट छाट करना, उसको छोटा कर देना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का उल्टा क्या होता है। देखिए एक्सेलरेट होता है जो हम गाड़ी में एक्सेलरेट देते हैं, बाइक वगैरह में या फिर फोर व्हीलर में। तो एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, तेजी लाना। तो इसका सेम मीनिंग होगा आपका, सॉरी सेम नहीं, उल्टा, एंटोनिम है ना, हेस्टन। अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ एकॉर्ड। एकॉर्ड का उल्टा क्या होगा, बताइए एंटोनिम। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, दो लोगों के बीच जो सहमति होती है, तो दो लोगों के बीच सहमति को हम क्या कहते हैं, तो देखिए एकॉर्ड का उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिस्कॉर्ड। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ एग्रीवेट। एग्रीवेट का उल्टा क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए एग्रीवेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भड़काना या फिर उसको छेड़ना। तो इसका उल्टा मीनिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसीफाई। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एंटोनिम, बताइए कि चूज द सिनोनिम ऑफ एगिल। एगिल का मतलब होता है फुर्तीला, चुस्त। तो ऑब्वियसली फुर्तीला चुस्त है तो इसका मतलब होगा सुस्त, है ना। एगिल का मतलब फुर्तीला होता है और निम्बल ये सब का मतलब होगा सुस्त। ठीक है, अब देखिए अब पांच आपके लिए हैं वन वर्ड साइनोनिम्स, जिसको हम OWS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो ईश्वर की अस्तित्व में विश्वास ना करता हो उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, एथिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय हिमसेल्फ।
जैसे किसी की जीवनी अगर खुद से वो लिखते हैं अपनी जीवनी तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, जो दूसरों की जीवनी को लिखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ऑटो लग गया तो ऑटो मतलब क्या हो गया, खुद से जो लिखें तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जो अपनी जीवनी को खुद से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन हु प्लेज नॉट टू अर्न मनी बट फॉर प्लेजर। बताइए ऐसा व्यक्ति जो कि पैसा कमाने के लिए नहीं खेलता है बल्कि बस आनंद लेने के लिए खेलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अमैच्योर, ऑप्शन ए। भाई ऐसा तो कोई अंबानी के फैमिली से बिलोंग करता होगा तभी, क्योंकि अगर कोई मेहनत करेगा तो उसको पैसा तो चाहिए होगा भाई। विदाउट नेम और आइडेंटिफिकेशन, बताइए जिसका कोई नाम ना हो और कोई भी पहचान ना हो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे हमें कभी कभी पुलिस वालों को मिल जाता है कोई अज्ञात, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसका कोई नाम और आइडेंटिफिकेशन ना हो उसको हम कहते हैं एनोनिमस, ऑप्शन डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, और अगर आपको मतलब PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बताइए अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं। आज का क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, ऑप्शन नंबर ए एवरी, ठीक है। तो वीडियो का ही पेंड करते हैं, और कल जो अब कंटिन्यू क्लास चलेगी इंग्लिश की भी, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा और आपको डेली एक क्लास मिलेंगे, 5 आपको एंटो कराऊंगा मैं, 5 साइनो और 5 OWS, और धीरे धीरे idioms एंड phrases, और फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स सारे कुछ करेंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे पैसेज वगैरह पे भी आएंगे, ओके। तो वीडियो को ही पेंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।